RCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज। तो आज हम फिर हाजिर हैं आपके लिए एक नया सेशन, एक नया प्रोडक्ट और कुछ नई जानकारियां लेकर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसके बारे में भारत में कम से कम अभी तक जानकारी बहुत कम है, जागरूकता बहुत कम है। जी हाँ, हम बात करेंगे न्यूट्रीचार्ज DHA के बारे में और कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए हम लेकर आए हैं जो शायद अब तक आपको पता ना चली हो। तो आप कॉपी और पेन एज़ यूजुअल लेकर बैठें ताकि आप उन्हें नोट कर पाएँ और ये देख पाएँ कि ये सीख पाएँ, ये लिख पाएँ कि हम अपने कस्टमर से बात अब किस तरह से करेंगे, किन पॉइंट्स पर हम इस प्रोडक्ट को लेकर बात कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ नाम ऐसे दिखाई देंगे जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, जैसे आइजैक न्यूटन, जैसे आर्यभट्ट, जैसे श्रीनिवास रामानुजन, जैसे मैरी क्यूरी, जैसे के सिवान। ये सब ऐसे नाम हैं जिन्होंने भारत का नाम दुनिया भर में रोशन किया है, जिन्होंने अपना खुद का नाम दुनिया भर में रोशन किया है। और इनमें समानता क्या थी? जैसे न्यूटन ने जो थियोरीज निकाली या जो श्रीनिवास रामानुजन ने जो इन्वेंशंस किए, जो मैरी क्यूरी ने किए, जो के सिवान इतने फेमस हुए कुछ वक्त पहले, इन सब में समानता क्या है? इन सब में समानता है कि इन सब का ब्रेन बहुत विकसित था, ये सब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे। अब हम इतने इंटेलिजेंट नहीं हैं, मगर हम ये ज़रूर चाहते हैं कि हमारे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट हों। आप सबके अपने बच्चों के लिए कुछ सपने हैं, आप सब चाहते हैं कि दुनिया भर में आपके बच्चों का नाम हो, आप चाहते हैं कि आपकी पहचान आपके बच्चों से बने, तो ये चमत्कार होगा कैसे? जी हाँ, व्यक्ति की इंटेलिजेंस जो है वो उसके ब्रेन में होती है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं। तो अगर ब्रेन में इंटेलिजेंस होती है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ब्रेन का विकास होता कब है और किस समय होता है। तो ये ब्रेन जो है, जब हम दुनिया में आते हैं उससे पहले ही हमारी माँ के गर्भ में विकसित हो जाता है। वैसे तो हमारा पूरा शरीर, सारे अंग माँ के गर्भ में ही विकसित होते हैं, मगर ब्रेन का विकास जो है वो 70% विकास जो है वो माँ के गर्भ में हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो हमें जो कुछ भी करना है वो उस समय करना है जब बच्चा माँ के गर्भ में है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 70% विकास तो माँ के गर्भ में ही हो जाता है। डिलीवरी के बाद यानी पैदा होने के बाद जो बचता है वो सिर्फ 30% ही बचता है। तो माँ के गर्भ में वो क्या चीज़ है, वो कौन सा पोषक तत्व है जिससे होगा बच्चे का पूरी तरह से अच्छा ब्रेन का विकास, यही हम समझ रहे हैं। तो पिछले कुछ वर्षों से बहुत से शोधों ने बताया है कि ब्रेन के लिए DHA बहुत ज़रूरी है। और आप चाहें तो आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। गूगल पर आप किसी भी तरह से टाइप करें रोल ऑफ DHA इन ब्रेन डेवलपमेंट, रोल ऑफ DHA इन डेवलपमेंट ऑफ बेबीज़ ब्रेन, बेबी ब्रेन एंड DHA, बेबी ब्रेन्स डेवलपमेंट एंड रोल ऑफ DHA, आप कुछ भी टाइप करेंगे आपको गूगल ये ज़रूर दिखाएगा। बहुत सारी रिसर्चेस, बहुत सारी साइट्स ऐसी खुलेंगी जिसमें ये कहा जाएगा कि DHA जो है वो शिशु के गर्भ में जब विकास होता है उसके ब्रेन का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो DHA एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो ब्रेन में तीन तरह के काम करता है और ये तीनों काम आपके लिए बहुत काम के हैं ताकि आप भी समझ पाएँ और आप जिसे समझाना चाहें उन्हें भी समझा पाएँ। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी इन तीनों को आप नोट करके रखें कि DHA हमारे शरीर में कौन से तीन काम करता है। पहला काम जो करता है वो करता है ब्रेन का विकास। जी हाँ, विकास यानी ब्रेन को बनाने का काम करता है और वो करता है माँ के गर्भ में। जैसा आपको बताया 70% विकास जो है वो माँ के गर्भ में हो जाता है बच्चे के ब्रेन का। तो पहला काम करता है ब्रेन का विकास। दूसरा काम जो वो करता है, ब्रेन को सक्रिय बनाता है, यानी ब्रेन का विकास हो गया और उसके बाद में ब्रेन सक्रिय कितना रहेगा, एक्टिव कितना रहेगा, काम कितना करेगा, जिसको हम बोलते हैं दिमाग चलेगा कितना, वो काम भी DHA ही डिसाइड करता है, DHA पर ही डिपेंड करता है, DHA ही ब्रेन को सक्रिय बनाने में मदद करता है। और तीसरा काम जो करता है वो ब्रेन का रख रखाव करता है, यानी जितना बन गया
जितना सक्रिय हो गया उसको मेंटेन भी तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हमारी याददाश्त कम होने लगती है, हमें अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आजकल सुनने में आती होगी, जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ जिनको बोलते हैं, जिनको न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बोलते हैं, वो होने लगती है। तो क्या एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूँगी मैं आपके साथ में। पहला काम करता है ब्रेन का विकास, और मैं उम्मीद करती हूँ आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं इसको। दूसरा काम करता है ब्रेन को सक्रिय रखता है, यानी डेवलप करेगा, एक्टिवेट करेगा, और तीसरा काम करेगा मेंटेन करेगा। सो इट डेवलप्स द ब्रेन एंड इट एक्टिवेट्स द ब्रेन एंड इट मेंटेन्स द ब्रेन। तो अब सवाल ये है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, और जैसा हमने कहा कि DHA को बच्चे को उसी वक्त दिया जाना चाहिए जब वो माँ के गर्भ में है, तो एक गर्भवती महिला को रोज़ाना कितने DHA की आवश्यकता है? शोधों के अनुसार, रिसर्चेस के अनुसार, एक गर्भवती महिला को रोज़ाना 400 mg DHA चाहिए होता है। ये बहुत सारे रिसर्चेस से पता चला है। ताकि क्यों चाहिए होता है, क्योंकि 400 मिलीग्राम रोज़ाना DHA जब उसको मिलता है तो उसके मस्तिष्क का, उसके ब्रेन का समुचित निर्माण होता है। तो कौन कौन सी रिसर्चेस हैं, विभिन्न देशों में ये रिसर्चेस हुई हैं, जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि गर्भावस्था व स्तनपान की पूरी अवधि के दौरान, यानी दूध पिलाने की पूरी अवधि के दौरान, माँ द्वारा प्रतिदिन 400 मिलीग्राम DHA का सेवन बच्चे के समुचित निर्माण के लिए ज़रूरी है और माँ की आवश्यकताओं की पूर्ति में भी लाभदायक है। जैसे स्विट्ज़रलैंड में जो रिसर्च की गई उसमें ये पता लगा कि गर्भवती माँ के 400 मिलीग्राम DHA के दैनिक सेवन करने से गर्भ में पल रहे व जन्म के बाद नवजात बच्चे के मस्तिष्क में DHA तेज़ी से जमा होता है और मस्तिष्क के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरह से जो अमेरिका में रिसर्च की गई उसमें ये पता चला कि पेट के बच्चे व नवजात शिशु के लिए माँ के द्वारा DHA की पर्याप्त आपूर्ति उसके मस्तिष्क के सर्वोत्तम निर्माण को सुनिश्चित करती है। इसी तरह से इंग्लैंड की रिसर्च में ये पता चला कि गर्भावस्था व स्तनपान के दौरान माँ द्वारा DHA के पर्याप्त सेवन से बच्चे के लिए, बच्चे के सिर का जो आकार है और उसकी चीज़ों पर ध्यान देने व समझने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। तो जो सिर का आकार बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, समझने की क्षमता भी बढ़ जाती है। ये जो डेनमार्क और इटली में रिसर्च हुई उससे ये पता चला कि माँ से मिलने वाला DHA गर्भ में पल रहे बच्चे और जन्म के बाद नवजात शिशु के मस्तिष्क में तेज़ी से जमा होता है व मस्तिष्क के उचित निर्माण में उपयोग होता है। तो ये लगातार हर रिसर्च में ये पता चलता रहा कि DHA जो है ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है, वो ब्रेन में जमा होता है और समुचित विकास के लिए ज़रूरी है। गर्भवती माँ को, ये इंडिया में रिसर्च हुई थी 2005 में, उसके हिसाब से गर्भवती माँ को गर्भस्थ बच्चे व दूध पिलाने वाली महिलाओं को नवजात शिशु के मस्तिष्क के उचित निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक DHA की पर्याप्त मात्रा रोज आहार में लेनी चाहिए। तो इस तरह से हमने समझा है कि बहुत सारी रिसर्चेज में पता चला है कि DHA ज़रूरी है और 400 mg की मात्रा में ज़रूरी है। देखिए क्या होता है, बच्चे का जब, क्योंकि 70% विकास तो ब्रेन में ही हो गया, अगर उस वक्त आपने DHA नहीं दिया तो ब्रेन पूरी तरह से शायद उतना अच्छी तरह से विकसित नहीं होगा जैसा आप चाहते हैं। और जब बच्चा पैदा हो जाएगा उसके बाद में तो आपके लिए वो इरिवर्सिबल है, आप वापस उसे पेट में डाल करके उसका ब्रेन बना नहीं सकते हैं। तो उसके बाद तो वो 30% ब्रेन ही बन पाएगा, आप कितना भी DHA दे देंगे तो भी वो 30% ब्रेन ही बना पाएगा या फिर एक्टिवेशन में काम कर पाएगा। मगर जो सबसे मेजर ब्रेन डेवलपमेंट जहाँ हो रहा है, 70% जहाँ गर्भ में हो रहा है, उस वक्त DHA पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और पर्याप्त मात्रा में पहुँचेगा तो बेहतर है। तो गर्भ में जब बच्चा माँ के शरीर से प्लासेंटा से जुड़ा होता है, जिसको हम गर्भनाल बोलते हैं हिंदी में, और इसी से सारे ज़रूरी पोषण वो प्राप्त करता है। तो जब माँ DHA लेगी तो माँ के रक्त से DHA जो है प्लासेंटा द्वारा बच्चे तक पहुँचता है और उसके ब्रेन के विकास में मदद करता है।
जन्म के बाद डीएचए कैसे मदद करता है? जन्म के बाद बच्चे को डीएचए माँ के दूध द्वारा मिलता है, अतः गर्भावस्था और दूध पिलाने दोनों की पूरी अवधि में गर्भवती महिला को 400 मिलीग्राम डीएचए का दैनिक सेवन करना चाहिए। इनफैक्ट जब प्रेगनेंसी शुरू हो या आप प्रेगनेंसी प्लान करना शुरू करें तभी से डीएचए का सेवन शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि आपने पिछली स्लाइड्स में समझा होगा डीएचए जमा होता है। तो जब डीएचए माँ के शरीर में जमा होगा तो जैसे ही वो कंसीव करेंगी, जैसे ही वो गर्भवती होंगी, तो डीएचए जो है वो बच्चे को इमीडिएटली मिलने लगेगा। एक दिन की भी देरी बच्चे के दिमाग के विकास के लिए नहीं होगी डीएचए मिलने में। एक ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च कल ही मुझे नज़र आई, उसमें ये लिखा था कि 1000 बच्चों पर 18 वर्ष तक लगातार रिसर्च किया गया और ये पाया गया कि जो माँ के दूध में पाए गए पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स यानी विशेषकर डीएचए जिन जिन को मिला उससे उन बच्चों की जो बौद्धिक क्षमता है, जो इंटेलिजेंस है, वो बढ़ा। तो ये देखिए, ये 18 साल की रिसर्च के बाद पता चला। बुद्धिमानी इसी में है कि जब किसी चीज़ पर रिसर्च हो जाती है और उसका हमें रिजल्ट पता लग जाता है तो हम उस रिसर्च को, उस रिज़ल्ट को काम में लेकर अपने जीवन को बेहतर बना सकें, इसी को बुद्धिमानी कहते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे बच्चे पर रिज़ल्ट पता चलेगा या नहीं पता चलेगा, वो उसके लिए भी आपको उसके जन्म से लेकर के 18 साल तक तो कम से कम आपको कॉन्टिन्यूसली वेट करना पड़ेगा, देखते रहना पड़ेगा कि डीएचए लेने का रिज़ल्ट आया या नहीं आया। और सपोज़ कीजिए आपको किसी स्टेज पर जा कर के पता चला कि डीएचए नहीं लिया, इस वजह से नुकसान हो रहा है, तो उस वक्त आपके पास में रास्ता ही नहीं बचता है कि आप दोबारा से बच्चे को छोटा करके उसे डीएचए देना शुरू कर पाएं। इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये डैमेजेस या ये जो डेफिशिएंसीज हैं ये इररिवर्सिबल हो जाती हैं। अब सवाल ये कि ये डीएचए मिलेगा कहाँ? माना ये जाता है कि फिश ऑयल का सेवन मस्तिष्क के निर्माण में सहायक है, क्योंकि फिश ऑयल में डीएचए होता है ऐसा माना जाता है। तो वैज्ञानिकों ने जो क्या किया कि लोगों की सुविधा के लिए फिश से फिश ऑयल निकाला और सिद्ध किया कि उसमें भी मस्तिष्क निर्माण में सहायक ओमेगा तत्व होते हैं। और ओमेगा तत्वों में मुख्य है ओमेगा 3। तीन तरह के ओमेगा तत्व आपके सामने हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। ओमेगा 3 जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है और ओमेगा 3 के भी करीब 11 टाइप्स होते हैं, उसमें से जो दो टाइप्स हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं, वो है डीएचए और ईपीए। और डीएचए इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है जहाँ तक ब्रेन के विकास का सवाल है, उसमें डीएचए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फिश ऑयल ही लेना पड़ेगा तभी माँ को डीएचए मिलेगा या कोई और तरीका है, क्योंकि मांसाहारी लोग तो डीएचए ऑयल ले पाएंगे, फिश ऑयल ले पाएंगे, मगर जो शाकाहारी लोग हैं वो नहीं ले पाएंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि ये माना जाता है फिश ऑयल नहीं तो एटलीस्ट फिश तो खाई जा सकती है। जो लोग फिश खाते हैं वो भी रोज़ नहीं खाते हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं 400 mg डीएचए आपको रोज़ाना चाहिए। तो सप्लीमेंट के द्वारा जो सही रूप में जो डीएचए, एलिमेंटल डीएचए, बिना अशुद्धि का डीएचए जो आपको चाहिए, वो सप्लीमेंटेशन के द्वारा लेना सबसे ज़्यादा समझदारी का काम है। आइए समझते हैं कि क्या फिश ऑयल से ही डीएचए मिल पाएगा या और कोई तरीका है। अब भारत जो है मुख्यतः शाकाहारी देश है और गर्भावस्था और दूध पिलाने की अवधि के दौरान तो ज़्यादातर महिलाएँ जो हैं वो शाकाहार लेती हैं जिसमें डीएचए उतना नहीं होता है। तो शाकाहारी गर्भवतियों और उनके बच्चों को जो है आहार से डीएचए पूरी तरह से नहीं मिल पाता है। मोर ओवर मछली का तेल मांसाहारी है, बहुत सारे समुदायों में मांसाहार वर्जित है, चाहे आप बोलें कि ये कैप्सूल में भी बंद है तो भी अगर उस पर रेड डॉट लगा है, मांसाहारी तेल भी है जो पेट में जा रहा है तो वो वर्जित होता है। बहुत सारी गर्भवती महिलाएँ जो हैं गर्भावस्था के दौरान शाकाहार अपना लेती हैं क्योंकि उनको मांसाहार या तो पसंद नहीं आता या धर्म की वजह से अपना लेती हैं या मांसाहार से उन्हें दिक्कत होने लगती है।
उसकी स्मेल से, उसकी जो उसमें जो तीखी गंध होती है उससे उल्टी होने का खतरा रहता है। तो बहुत सारे कारण हैं कि महिलाएं जो हैं वो शाकाहार अपना लेती हैं। और इसके साथ साथ मछली के तेल में जो है कई हानिकारक केमिकल्स होते हैं जो प्रोसेसिंग के वक्त नष्ट नहीं हो पाते हैं, और ये केमिकल्स जो हैं मछली के शरीर में जितना भी पोल्यूशन आजकल हमारे पानी में, ओशन में, नदियों में है, उससे मछली के शरीर में आ जाता है, और वो केमिकल्स, वो सारा पोल्यूशन मछली के तेल में भी आ जाता है। और अगर एक गर्भवती महिला के शरीर में ऐसा हानिकारक तेल पहुंचेगा तो सोचिए वो न सिर्फ उसके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा बल्कि होने वाले बच्चे के शरीर पर भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे शोध हुए, और इन शोधों से पता चला कि मछली DHA नहीं बनाती है। मछली क्या करती है, एक प्रकार का समुद्री पौधा खाती है और उस ओमेगा तत्वों से युक्त समुद्री पौधा जब वो खाती है तो वो ओमेगा तत्व प्राप्त करती है। और इसलिए जब वैज्ञानिक उस फिश में से ऑयल निकालते हैं तो उस फिश के ऑयल में ओमेगा 3 आ जाता है, इसलिए हम ये सोचते हैं कि फिश ऑयल से ओमेगा तत्व मिलते हैं। आप यहाँ पर ये साइकिल देख रहे होंगे जिसमें हमने ये दिखाना चाहा है कि समुद्री पौधे में ओमेगा तत्व होता है, फिश उसको खाती है, फिश सिर्फ एक कैरियर है, सिर्फ एक माध्यम है, सिर्फ एक मीडियम है, वो अपने शरीर में ओमेगा 3 बनाती नहीं है। जब फिश में से ऑयल निकाला जाता है तो उसमें ओमेगा 3 पाया जाता है क्योंकि उसने उसको पौधे से पा लिया है। ओमेगा 3 तत्व जैसा मैंने आपको बताया 3 तरह के होते हैं, और ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ओमेगा 3। और ओमेगा 3 में भी DHA और EPA दोनों होते हैं, और इसमें से DHA सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, DHA सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ब्रेन के विकास के लिए। अब अगर फिश DHA बनाती ही नहीं है तो फिर हम समुद्री पौधे से डायरेक्टली DHA क्यों नहीं बना सकते हैं? ये एग्जैक्टली RCM वाली फिलॉसफी यहाँ पर हमने अपनाई है कि बीच के मिडलमैन जो फिश है वो कैरियर है, एक मिडलमैन है, एक मीडियम है, उसको अगर हम हटा दें तो क्या सीधा पौधे से DHA प्राप्त करना मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। तो समुद्री पौधे से जो DHA आएगा वो होगा पूरी तरह से शाकाहारी, क्योंकि उसके उसमें हमने मछली का मीडियम यूज़ ही नहीं किया है, और वो सारे पोषक, सारे दूषित तत्वों, जैसे मर्करी बहुत ज़्यादा होता है फिश ऑयल में, तो मर्करी जैसे दूषित तत्वों और बीमारियों के रोगाणुओं से मुक्त होगा। तो ये समुद्री पौधे ही जो हैं वो DHA का वास्तविक स्रोत हैं, मछली जो है वो DHA का, या फिश ऑयल जो है वो DHA का वास्तविक स्रोत नहीं है। अब अगर समुद्री पौधे से सीधा शाकाहारी DHA प्राप्त करना संभव है तो सवाल ये है कि किसी ने अभी तक बनाया क्यों नहीं, किसी ने अब तक ये काम किया क्यों नहीं? जी हमने किया, न्यूट्रीचार्ज ने ये काम किया है। न्यूट्रीचार्ज पहली कंपनी है जो आपके लिए लेकर आई है शाकाहारी DHA शाकाहारी कैप्सूल में। पहली कंपनी में बोल रही हूँ, आप लास्ट जब स्लाइड प्रेजेंटेशन की देखेंगे वैल्यू फॉर मनी, आपको एहसास होगा कि कोई भी प्रोडक्ट DHA का प्रोडक्ट है ही नहीं, सब ओमेगा 3 की बात करते हैं, एलिमेंटल DHA की बात कोई नहीं करता है। तो ये पहली कंपनी है जो लेकर आई है शाकाहारी DHA शाकाहारी कैप्सूल में। अब शाकाहारी DHA तो समझ में आया कि पौधे से लिया गया, ये शाकाहारी कैप्सूल क्या होता है आइए उसको भी समझते हैं। यूजुअली क्या होता है कि जो बाहर का जो कैप्सूल है, जो कवर है, वो बनता है हड्डियों के जानवरों की हड्डियों के चूरे से, जिसको जिलेटिन कैप्सूल कहा जाता है। तो जितना भी वो जो बाज़ार में जितने भी सॉफ्ट कैप्सूल्स मिलते हैं वो जिलेटिन से बने होते हैं, यानी जानवर की हड्डियों के चूरे से बने होते हैं। अब अगर हमने वेजिटेरियन DHA ले भी लिया पौधे से, और अगर उसको आपने अंदर वेजिटेरियन DHA है और बाहर का कैप्सूल अगर नॉन वेजिटेरियन है, जानवर की हड्डियों से बना हुआ है, तो जाहिर है कि वो पूरा प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन हो गया। एक चीज़ अगर नॉन वेजिटेरियन जा रही है तो पूरा प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन हो गया, पूरा प्रोडक्ट जो है वो मांसाहारी हो गया। इसलिए
इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कैरागिनान से बना वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल। यहाँ आप देख रहे होंगे फोटो में, कैरागिनान एक तरह का पौधा है, पौधे से प्राप्त जो तत्व हैं उससे कैरागिनान की शीट बनती है और कैरागिनान से जो है सॉफ्ट कैप्सूल बनाया जाता है। और भारत में पहली बार शाकाहारी वेज सॉफ्ट कैप्सूल बनाना शुरू किया न्यूट्रीचार्ज ने। जी हाँ, हमारा जो प्लांट लगा है सिक्किम में, वहाँ पर पेटेंटेड टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है जो हम अमेरिका से लेकर आए हैं। इस टेक्नोलॉजी को भारत में कोई और यूज़ नहीं कर सकता है। तो न्यूट्रीचार्ज जो है वो पहली कंपनी है जो इंडिया में वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल बनाती है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी से बनाती है। तो भारत में पहली बार न्यूट्रीचार्ज DHA आया है शाकाहारी वेज सॉफ्ट कैप्सूल में, हानिकारक तत्वों से मुक्त, नवीनतम तकनीक से निर्मित जो है पेटेंटेड टेक्नोलॉजी। 2 कैप्सूल रोजाना, 200 मिलीग्राम का 1 कैप्सूल है। ये है न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट। आगे थोड़ा सा और समझेंगे कि न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट को अब हमें किसको प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करना है। DHA क्या है ये आपने समझ लिया, क्यों न्यूट्रीचार्ज DHA सबसे अलग है ये भी आपने समझ लिया, क्योंकि वो शाकाहारी DHA है और शाकाहारी कैप्सूल में ही बंद है। तो ये 400 mg DHA, अगर आपके पास ये वाला सिल्वर पैक वाला 400 mg DHA वाला कैप्सूल है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर 400 mg वाला कैप्सूल नहीं है और 200 mg वाला DHA का कैप्सूल है तो रोज़ाना 2 कैप्सूल्स लेने होंगे 400 mg की मात्रा तक पहुंचने के लिए। अगर ये वाला कैप्सूल है तो 1 ही कैप्सूल लेने की ज़रूरत है, और अगर ये वाला कैप्सूल है तो 2 कैप्सूल्स, DHA 200 है तो 2 कैप्सूल्स लेने की ज़रूरत है 400 mg की मात्रा तक पहुँचने के लिए। गर्भ में DHA बच्चे तक पहुँचेगा कैसे, जैसा आपको पहले मैंने बताया, जैसे सभी पोषक तत्व पहुंचते हैं उसी तरह से प्लासेंटा के जरिए पहुंचता है। अब अक्सर सवाल आता है कि गर्भावस्था में DHA लेना चाहिए, ये डॉक्टर से पूछना पड़ेगा। बिल्कुल पूछिए, ज़रूर पूछिए, हम बिल्कुल आपको मना नहीं करते डॉक्टर से पूछने के लिए। पूछने का तरीका हम थोड़ा सा समझेंगे। एक, आप डायरेक्टली अगर पूछें कि DHA लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर डॉक्टर ने DHA के बारे में ज़्यादा सुना नहीं है या रिसर्चेस पढ़ी नहीं है या उनका कहीं ईगो थोड़ा बहुत बीच में आता है कि आप कैसे पूछ रहे हैं, तो हो सकता है वो मना कर दे। दूसरा तरीका, या पर अगर आप ये पैक लेकर जाएं और आप बोलें कि ये एक नया प्रोडक्ट जो है DHA का पता चला था, इस पर थोड़ी हमने रिसर्च की, 200 mg DHA डला हुआ है, वेजिटेरियन DHA डला हुआ है, एलिमेंटल यानी शुद्ध रूप से DHA डला हुआ है, बाहर का कैप्सूल भी वेजिटेरियन है, और बहुत रिसर्च करने हमने भी गूगल पे पढ़ा तो पता चला कि DHA लेना चाहिए, तो क्या आप रेकमेंड करेंगी कि ये DHA लिया जा सकता है। जब वो उन्हें समझ में आएगा कि आप बहुत सारी रिसर्च करके आए हैं, आप इसकी पूरी जानकारी प्राप्त करके आए हैं, तो वो आपको ज़रूर बोलेंगी कि आप ले सकते हैं। हो सकता है वो आपसे ये कहें कि आप चाहें तो ले सकते हैं, ये भी डॉक्टर का एक तरह से हाँ बोलने का तरीका है। ये दूसरा तरीका ये है कि अगर डॉक्टर आपको DHA प्रिस्क्राइब कर रहे हैं किसी भी और प्रोडक्ट का जो या तो नॉन वेजिटेरियन है या सिंथेटिक कैप्सूल में है, या आपको डॉक्टर ओमेगा 3 प्रिस्क्राइब कर रहे हैं या किसी और सप्लीमेंट के, किसी और न्यूट्रिएंट के साथ में आपको DHA 200 दे रहे हैं, तो आप उनसे पूछिए क्या इसकी जगह मैं ये DHA 200 ले सकती हूँ, क्योंकि इसमें वेजिटेरियन DHA है, एलिमेंटल DHA है, पूरी तरह से वेजिटेरियन कैप्सूल में है, तो क्या ये लिया जा सकता है। इस तरह से जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टर के लिए हाँ करना आसान हो जाता है। और अगर आप जाकर के सीधा बिना प्रोडक्ट को दिखाए, जब उन्होंने प्रोडक्ट देखा ही नहीं और अगर उन्होंने लेबल पढ़ा ही नहीं, तो डॉक्टर्स को भी पता नहीं चल पाएगा कि DHA वेजिटेरियन आता है और इतना बेहतर आता है, क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ओमेगा 3 की बात करते हैं, DHA की बात नहीं करते हैं। तो आपको मदद करनी होगी डॉक्टर की कि वो आपके लिए प्रिस्क्राइब कर सकें, और ऐसे बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स हमारे पास आए हैं जहाँ पर अगर डॉक्टर से एक सलाह मांगने की तरह से और थोड़ा सा अपना नॉलेज के साथ बात की गई है तो डॉक्टर ने उस सप्लीमेंट को प्रिस्क्राइब किया है।
वैसे हमने भी आपकी मदद के लिए कुछ प्रख्यात गायनेकोलॉजिस्ट से डीएचए के बारे में पूछा और उन्होंने जो कहा वो मैं आपको यहाँ दिखाने जा रही हूँ। आपने ये शायद वीडियो बहुत बार देखा होगा लेकिन शायद इस नज़र से नहीं देखा होगा कि इसमें से आप कौन कौन से पॉइंट्स पिक कर सकते हैं न्यूट्रीचार्ज डीएचए के बारे में अपने डॉक्टर से बात करने के लिए। आज हम इस नज़र से देखेंगे कि हम कौन सा पॉइंट उठा सकते हैं और कैसे अगर हम किसी डॉक्टर से मिलने जाएं तो हमें किस पॉइंट पर बात करनी है। और जब आप डॉक्टर से मिलने जाएं ये वीडियो ज़रूर साथ रखें और बोलिए और उन्हें बताइए कि ये देखिए जो सबसे फेमस गायनोकोलॉजिस्ट हैं इंडिया की उनमें से कुछ गायनोकोलॉजिस्ट डीएचए के बारे में यहाँ इस तरह से बात कर रही हैं। तो आइए मैं आपको ये वीडियो दिखाती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर मीना कामत है। मैं 20 साल से बोरिवली वेस्ट मुंबई में गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। हाय, मेरा नाम डॉक्टर स्मिता शाह है। मैं पुणे की सीनियर ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। पिछले 25 साल से मेरा क्लिनिक पुणे के औंध एरिया में है। I'm Dr. Sharda Jain. I'm a gynecologist. I'm also Secretary General of Delhi Gynecologist Forum. I spent 2 decades teaching at PGI Chandigarh and at Lady Harding Medical College. मैं डॉक्टर सपना वर्मा, मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 8 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हूँ। करंटली मैं मेडिपॉइंट हॉस्पिटल पुणे में कंसल्टिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आइए आज आपको डीएचए और गर्भवती महिलाओं में उसके महत्व के बारे में बात करूँ। डीएचए मॉलिक्यूल ये बहुत महत्वपूर्ण मॉलिक्यूल है जो गर्भ में पल रहे शिशु के दिमागी विकास के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ बच्चे के डेवलपमेंट की स्टेजेस पूरे 9 महीने की दिखाई गई है। ये पहला महीना है, दूसरा महीना है, तीसरा महीना है। तीसरे महीने के एंड में बच्चे के ब्रेन का एनाटॉमिकल डेवलपमेंट हो चुका है। पूरे 9 महीने तक बच्चे को डीएचए प्लासेंटा द्वारा दिया जाता है। ये 4th मंथ, 5th मंथ और 6th मंथ का डेवलपमेंट है। यहाँ देखिए आप प्लासेंटा देख सकते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड देख सकते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड बच्चे को प्लासेंटा से जोड़ता है और ये प्लासेंटा के द्वारा बच्चे को डीएचए मिलता है। 7th मंथ, 8th मंथ एंड 9th मंथ, एट द एंड ऑफ 9th मंथ 70% ऑफ द ब्रेन इज ऑलरेडी डेवलप्ड। मेरा मानना है कि गर्भवती महिला को रोजाना 400 मिलीग्राम डीएचए लेना जरूरी है। डिलीवरी के बाद भी बच्चे के ब्रेन का डेवलपमेंट पहले 2 साल तक 15% होता है। इस दौरान शिशु को डीएचए माँ के दूध द्वारा ही मिलता है। इसीलिए गर्भावस्था के साथ साथ स्तनपान के दौरान भी डीएचए का सेवन करना महत्वपूर्ण है ताकि माता के दूध से वह डीएचए शिशु तक पहुंच सके। रोजाना लेने से बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, उसकी विजुअल एक्यूटी अच्छी होती है और उसकी लैंग्वेज पावर भी अच्छी होती है। जब भी मैं डीएचए प्रिस्क्राइब करती हूँ तो मछली से बना होने के कारण काफी महिलाएं उसे ले नहीं पाती हैं। हमारे देश में ज्यादातर महिलाएं शाकाहारी होने के कारण मछली के तेल से बना डीएचए तथा हड्डी के चूरे से बना सॉफ्ट जेल कैप्सूल नहीं लेना चाहती। इसीलिए मेरा ये मानना है कि अगर हमें कोई वेजिटेरियन सोर्स का डीएचए सप्लीमेंटेशन मिल जाए तो हमारी गर्भवती महिलाएं गर्भावस्था और स्तनपान के दौरान ये सप्लीमेंटेशन लगातार और खुशी से लेती रहेगी। That is why I recommend DHA to all pregnant women whom I treat and who are under my care. इसीलिए अगर कोई वेजिटेरियन सोर्स वाला DHA उपलब्ध है तो वो भारतीय महिलाओं के लिए काफी उपयोगी हो सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि कितनी बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो इस बारे में बात कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि DHA से न सिर्फ ब्रेन का विकास अच्छा होता है बल्कि उनकी विजुअल एक्विटी बहुत अच्छी होती है, मतलब उनकी आँखों का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। जी हाँ, आँखों की जो स्ट्रक्चरल जो संरचना है आँखों की उसमें DHA एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो स्ट्रक्चरल उसमें स्ट्रक्चर जब बनता है आँखों का तो DHA बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। साथ ही लैंग्वेज पावर यानी जो बात करने की जो पावर है, जो लैंग्वेज को समझने की जो पावर है वो भी बेहतर होती है DHA से। सो DHA सिर्फ ब्रेन के विकास में ही नहीं बाकी और चीज़ों में काम करता है। आगे आप अभी प्रेजेंटेशन में देखेंगे आज के सेशन में कि DHA और भी बहुत सारे काम करता है और आप उनको सबको नोट करके रखें। एक सवाल यहाँ पर, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट, ये वीडियो कैसे मिलेगा? ये वीडियो आज हम इस सेशन के बाद में व्हाट्सएप पर आप सबको दोबारा से भेजेंगे ताकि आप इस वीडियो को सेव करके रख सकें और अपने आसपास के लोगों को बता सकें, गायनेकोलॉजिस्ट को भी दिखा सकें।
अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि वेणुगोपालचारी जो हैं वो इन प्रोडक्ट्स को गायनोकोलॉजिस्ट के यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स में प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है वेणुगोपाल जी, थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस एंड आई एम श्योर यू आर एन इंस्पिरेशन, यू कैन मोटिवेट अदर्स ऑल्सो टू डू द सेम, स्पेशली योर टीम मेंबर्स, सो थैंक यू, आप ये काम कर पा रहे हैं और अगर एक जना कर पा रहा है आई एम श्योर बाकी सब भी ये चीज कर सकते हैं। एक सवाल आया है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंटल डीएचए, जो मैं बार बार यूज कर रही हूँ एलिमेंटल। एलिमेंटल का मतलब है शुद्ध रूप से डीएचए, यानी जब हमने पौधे में से जो ऑयल निकाला, एल्गल ऑयल निकाला, उसमें से बाकी चीज़ें सब हटा दी गई, ईपीए या किसी भी तरह की जो वो केमिकल्स या किसी भी तरह के इवन पोषक तत्व जिनकी इस डीएचए के साथ ज़रूरत नहीं है, तो हमने सब कुछ हटा दिया, शुद्ध डीएचए आपके लिए लेकर आए हैं ताकि वो बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाए। हम जब न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं और पिछले बहुत दिनों से हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स का साइंस समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बार बार ये समझ रहे हैं कि जो शुद्ध रूप होता है, जो एक्सट्रैक्ट, जो बायो अवेलेबल फॉर्म होता है किसी भी न्यूट्रिएंट का, वो निकाल लिया जाता है ताकि वो शरीर में ज़्यादा से ज़्यादा अवशोषित हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। तो जब मैं एलिमेंटल डीएचए बोल रही हूँ तो इसका मतलब है शुद्ध रूप से डीएचए जो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से आपके शरीर में अवशोषित हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम, आपने गायनेकोलॉजिस्ट का वीडियो देखा, इसके बाद हम समझेंगे कि तो जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं भी, अगर वो बाय चांस आपको सजेस्ट ना कर पाए तो भी, क्योंकि आपने इतनी रिसर्च की है, आपने इतनी देर से समझा है कि डीएचए बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप चाहे तो गूगल पर कुछ और रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझें कि आपका बच्चा इंटेलिजेंट हो इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपकी गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं है। आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है, भारत का नाम रोशन करे इसकी जिम्मेदारी भी पूरी तरह से आपकी है, इसकी जिम्मेदारी आपकी गायनेकोलॉजिस्ट की नहीं है, उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी है कि आपका बच्चा हेल्दी तरीके से इस दुनिया में आ सके। तो अपने बच्चे को आपको इंटेलिजेंट बनाना है तो इसका फैसला आपको खुद करना है। यहाँ पर मैं ये भी बोलना चाहूँगी, हम बहुत सारे स्टेप्स ऐसे लेते हैं जो हम बिना किसी से कंसल्ट किए लेते हैं, अपनी समझ के हिसाब से लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कुछ खाने का अगर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं, आज सुबह के सेशन में मिलन सर ने बोला था कि हमारा दिन जो है अपने निर्णयों के हिसाब से चलता है, तो अगर आप कुछ खाने का निर्णय लेते हैं, आप हर चीज़ खाने से पहले ना तो डॉक्टर से पूछते हैं ना किसी न्यूट्रिशनिस्ट से पूछते हैं। तो आप जब किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं तो अपनी समझ के हिसाब से लेते हैं। हाँ, मैं समझती हूँ एक गर्भवती महिला के लिए ज़रूरी है कि इस बात का निर्णय बहुत रिसर्च और अच्छी सलाह के साथ लिया जाए कि क्या ले खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, मगर उसमें थोड़ा थोड़ा हमें अपनी रिसर्च करके भी ये सब लेना शुरू करना चाहिए, पोषक तत्वों को लेना शुरू करना चाहिए। तो आप अपनी रिसर्च भी रखें और जैसा मैंने आपको बताया, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जब आप जाएं तो आप उनके हाथ मजबूत करें, हेल्पर टू हेल्प यू, तो आप उनकी मदद करें कि वो आपकी मदद कर पाएं। तो इसका मतलब ये हुआ प्रोडक्ट ज़रूर साथ में लेकर जाएं, उनको लेबल पढ़वाएं ताकि उनको भी इस प्रोडक्ट के बारे में न सिर्फ पता चले बल्कि कॉन्फिडेंस भी आए और क्या पता हो आपके साथ साथ दूसरों को भी वो प्रोडक्ट सजेस्ट करने लग जाएं। तो आज ही से न्यूट्रीचार्ज डीएचए लेना शुरू करना है। डीएचए के फायदे क्या हैं, ब्रेन के विकास में या बच्चे के लिए डीएचए के क्या फायदे हैं उसको समझते हैं हम। पहला फायदा जो हम आपको बता रहे हैं कि बच्चे के ब्रेन के विकास में मदद करता है, 70% विकास बच्चे का माँ के गर्भ में हो जाता है, तो डीएचए जो है ब्रेन के विकास में मदद करता है। गर्भ में बच्चे की आंखों के विकास में मदद करता है, जो दूसरा पॉइंट जो डॉक्टर शारदा जैन ने वीडियो में बोला वही पॉइंट कि ये विजुअल एक्विटी बढ़ाता है, आँखों के डेवलपमेंट में मदद करता है। तीसरा, जब गर्भावस्था की सामान्य अवधि पूरी हो जाती है उसी के बाद बच्चे का जन्म होता है। इन दिनों
बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ है, बहुत भाग दौड़ वाली लाइफ है, और अक्सर महिलाएं जो हैं लास्ट डे तक ऑफिस जा रही होती हैं या काम कर रही होती हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से या किसी और वजह से बच्चा प्री मेच्योर पैदा हो सकता है। लेकिन डीएचए लेने से क्या होता है, ज़्यादातर सामान्य अवधि पूरी होने पर ही बच्चे का जन्म होता है, तो प्री मेच्योर डिलीवरी का जो रिस्क है वो कम होता है। दूसरा, बच्चे का जो विकास है गर्भ में वो बहुत अच्छी तरह से होता है। तीसरा पॉइंट, जन्म के समय जो है बच्चा कम वजन का नहीं होता है। जन्म के समय जब बच्चा अगर अच्छे वजन का होता है, सही वजन का होता है, तो उस जैसे जैसे वो बढ़ता है उसका शारीरिक विकास आगे के जीवन में भी बहुत अच्छा होता जाता है। आपने देखा होगा अक्सर जो बच्चे बहुत वीक पैदा होते हैं, जिनका जो है बर्थ वेट कम होता है, वो आगे जाकर भी अपने जीवन में थोड़ा सा फिजिकली वीक रह जाते हैं। तो अगर जन्म के वक्त बच्चे का वजन सही रहेगा तो वो बच्चा बेहतर विकसित होगा। बच्चे की जो साइकोमोटर स्किल्स हैं उसका विकास होता है, मतलब आपकी जो भी ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो है उसका अच्छी तरह से विकास होता है। आजकल साइकोमोटर स्किल्स पर बहुत सारी वर्कशॉप्स चलने लगी हैं और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो जो चीज़ जो पोषक तत्व की जिसकी ज़रूरत है, एक्सरसाइजेस की ऑफकोर्स ज़रूरत है, बहुत सारे तरह की एक्सरसाइजेस की ज़रूरत है, आप खिलौनों से विकसित करें, आप राइट लिखवा करके विकसित करें, मगर साथ साथ न्यूट्रिशन की भी ज़रूरत है। जब हम बोलते हैं जीवन के लिए 70% न्यूट्रिशन 30% एक्सरसाइज, तो वो हर चीज़ में काम आती है, वो ब्रेन के लिए भी काम आती है। तो बच्चे की साइकोमोटर स्किल्स का विकास करने में डीएचए बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। बच्चे की देखने की क्षमता को बढ़ाता है, तो डीएचए बच्चे की देखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। अब सवाल ये है कि कैसे लेना है। जी हाँ, आपको पानी के साथ में लेना है, बहुत नॉर्मल इसका तरीका है, वेजिटेरियन सॉफ्ट कैप्सूल है, आपको पानी के साथ लेना है। कब लेना है? न्यूट्रिशार्ज डीएचए एक गर्भवती महिला को दिन में 2 बार लेना है। अगर आप न्यूट्रिशार्ज डीएचए 200 ले रहे हैं तो आप दिन में 2 बार लें। कोशिश करें कि आप रोज़ाना उसी वक्त ये कैप्सूल लें, और अगर आप 400 mg वाला DHA यूज़ कर रहे हैं तो आपको दिन में 1 कैप्सूल लेना है। कोशिश ये करनी है कि आप रोज़ाना उसी समय ये कैप्सूल लें। कब से कब तक लेना है? जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप गर्भावस्था प्लान कर रहे हैं तभी से लेना शुरू कर दें तो बेस्ट है, लेकिन अगर ऐसा ना हो पाए तो गर्भावस्था का पता लगते ही पहले ही दिन से आप लेना शुरू कर दें। मैं क्यों बोल रही हूँ गर्भावस्था प्लान करने के पहले दिन से, अमूमन तौर पे ये होता है कि कंसीव करने के कुछ दिनों बाद पता चलता है कि आपने किसी लेडी ने कंसीव कर लिया है। तो वो जो कुछ दिन हैं, हो सकता है वो 1 महीना हो सकता है वो उससे थोड़ा ज़्यादा हो, तो वो जो कुछ दिन हैं उन दिनों में भी डीएचए की कमी बच्चे के शरीर में होनी नहीं चाहिए। इसलिए जैसे ही आप गर्भावस्था प्लान करना शुरू करें तभी से डीएचए लेना शुरू कर देंगे तो बेहतर रहेगा। जन्म के बाद जो है बच्चे को डीएचए मिलता है माँ के दूध से। जैसा कि हमने देखा 70% तो ब्रेन का विकास हुआ गर्भ में, तो बाकी का ब्रेन का विकास कहाँ होगा, कब होगा? आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, साइड इफेक्ट तो नहीं है, कब से लेना है, कब तक लेना है, इन सब के सवालों के जवाब आपको आगे के प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे, तो आप ध्यान से देखते रहें। 2 साल की उम्र तक बच्चे का 15% विकास और होता है, यानी 70% तो हो गया गर्भ में, 15% होगा 2 साल की उम्र तक जन्म से लेकर 2 साल की उम्र तक, और बचा हुआ 15% होता है करीब 6 साल की उम्र तक। ये हम बात कर रहे हैं ब्रेन के विकास की। अभी तक हमने एक्टिवेशन पर, ब्रेन के सक्रिय होने पर, और ब्रेन की मेंटेनेंस पर, इन दोनों चीजों पर बात नहीं की है। तो जब बच्चा पैदा हो और उसके बाद तक 2 साल तक अगर 15% विकास हो रहा है तो जाहिर है बच्चे को उस वक्त भी डीएचए की ज़रूरत है। और जैसे कि बच्चे को
हर पोषक तत्व मिलता है माँ के दूध से, उसी तरह से माँ के दूध से ही बच्चे को मिलेगा डीएचए। मगर मिलेगा कब? जब आप डीएचए लेती रहेंगी, यानी जब माँ डीएचए लेती रहेगी तभी माँ के दूध से डीएचए बच्चे को मिलेगा। बिना आपके, बिना माँ के डीएचए लिए बच्चे को दूध से डीएचए नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि गर्भावस्था खत्म होने के बाद भी, बच्चे के जन्म के बाद भी माँ जो है वो तब तक डीएचए लेती रहे जब तक कि वो बच्चे को दूध पिला रही है। जब बच्चा आपका बाहरी आहार लेना शुरू कर दे, 4 महीने पे 5 महीने पे जैसे भी आपके आपका बच्चा आहार लेना शुरू कर दे, तो इसका मतलब ये हुआ वो माँ के दूध पर उसका डिपेंडेंस कम होने लगता है, या वो माँ का दूध कम लेने लगता है। लेना ज़रूर है मगर कम लेने लगता है। तो माँ को तो शुरू रखना ही है, डीएचए लेना जारी रखना ही है, मगर अब साथ साथ बच्चे को बाहरी आहार से भी डीएचए की ज़रूरत है। 2 वजह से, एक तो माँ के दूध से अब कम मिल रहा है क्योंकि वो माँ के दूध पे डिपेंड कम कर रहा है, दूसरा क्योंकि वो बड़ा हो रहा है तो उसकी उसकी ब्रेन की सक्रियता भी हो रही है, बन रही है, उसकी आँखों का डेवलपमेंट भी हो रहा है, उसकी जो है बोलने की लैंग्वेज पावर भी डेवलप हो रही है। तो इस वक्त उसको चाहिए होता है 50 mg डीएचए, जिसको जिसके लिए बनाया गया है न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट कैप्सूल। न्यूट्रीचार्ज हमेशा बहुत सारे रिसर्च करके, बहुत सोच समझ कर आपके लिए प्रोडक्ट्स बनाता है, तो ये बहुत रिसर्च के बाद ये कैप्सूल बना है। अब ये कैप्सूल जो है ये फिर से सॉफ्ट कैप्सूल है, यानी कि कैरागेनान से बना है। अंदर जो डीएचए डला है वो भी पौधे से ही बनाया गया डीएचए है, एल्गल डीएचए है। तो 50 mg डीएचए, अगेन शुद्ध डीएचए, एलिमेंटल डीएचए इसमें डाला गया है। इसको कैसे लेना है? ये जो न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट का जो कैप्सूल है, और मैं आपको एक कैप्सूल यहाँ पर दिखाती हूँ कि ये किस तरह का कैप्सूल है। ये आप देखेंगे कि ये ऐसा कैप्सूल है। इसके ऊपर आपको एक ये कैप दिख रही है, ये इसकी गर्दन है। तो इसको आप जब घुमाएंगे तो ये खुल जाता है, और इसका जो ऑयल है, इसके अंदर जो डीएचए का ऑयल है वो आपको बच्चे के खाने में मिला करके और बच्चे को देना है, बच्चे के ऊपरी आहार में मिला करके आपको देना है। इसके अंदर का जो डीएचए है वो बहुत स्वादिष्ट वनीला और स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में है, जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। तो जब आप किसी भी खाने की चीज़ में ये मिलाएंगे तो उस चीज़ में भी वो फ्लेवर आ जाता है, तो बच्चा बहुत आराम से उसको ले पाता है। अब बच्चे की का जो ब्रेन का एक्टिवेशन है वो बहुत अच्छी तरह से शुरू हो जाता है 2 साल की उम्र के बाद। तो अभी तक तो ब्रेन का विकास हो रहा था, 70% गर्भ में हुआ उसके लिए हमने डीएचए दिया, 15% जन्म से लेकर के 2 साल तक हुआ उसके लिए हमने डीएचए दिया। अब 2 साल के बाद जब एक्टिवेशन हो रहा है तो उसके लिए भी हमें डीएचए देना है। और कितना देना है, कब से कब तक देना है? 100 mg, यानी 2 कैप्सूल आपको रोज़ अपने बच्चे को 2 साल से 6 साल की उम्र तक देने हैं, आहार में मिला करके देना है आपको। दो साल से छः साल की उम्र तक आपको जो है 100 mg डीएचए आहार में मिला करके देना है। बहुत सारे सवाल ऐसे भी आए हैं हमारे पास पहले कि क्या डीएचए का कैप्सूल, ये डीएचए ट्विस्ट का कैप्सूल डायरेक्टली बच्चे को दिया जा सकता है पानी के साथ में? मैं कहूँगी कैप्सूल आप देखेंगे तो बहुत लंबा है, और इसके ऊपर ये जो 2 विंग्स से बने हुए हैं ये शायद गले में अटक सकते हैं या खराश पैदा कर सकते हैं या मुश्किल हो सकती है निकलने में। तो आप इसको खोल करके इसका डीएचए का ऑयल ही मिला करके दीजिए। हालांकि लेने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसा ही शुद्ध कैरागेनान से बना हुआ इसका बाहर का कैप्सूल है, जो न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 का है, या जैसा न्यूट्रीचार्ज डीएचए 400 का है, या जैसा न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा का है, न्यूट्रीचार्ज व्यू का है, सब में वही इस्तेमाल किया गया है। तो नुकसान कुछ नहीं होगा अगर ले लिया गया है तो, लेकिन क्योंकि इसके विंग्स हैं गले में अटक सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए, कोशिश कीजिए कि आप ऑयल ही मिला कर दें। 2 साल से 13 साल तक बच्चे को ज़रूरत होती है
150 mg DHA की, यानी आपको इसके 3 कैप्सूल्स न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के 3 कैप्सूल्स आपको आहार में मिला करके देने हैं। ये आप एक साथ भी दे सकते हैं, आप दिन में 2 बार अलग अलग वक्त पर भी दे सकते हैं, आप दिन में 3 बार अलग अलग वक्त पर भी दे सकते हैं। तो बच्चे का जो मानसिक विकास है उसके लिए है DHA ट्विस्ट, बच्चे का जो शारीरिक विकास है उसके लिए है न्यूट्रीचार्ज किड्स। आप दोनों मिलाकर प्रमोट करें तो आप एक होलिस्टिक डेवलपमेंट अपने बच्चे के लिए प्रमोट कर पाएंगे। आप होलिस्टिक मतलब संपूर्ण विकास बच्चे का हो जाता है अगर DHA ट्विस्ट और DHA किड्स आप साथ में लेना शुरू प्रमोट करते हैं। तो 13 साल की उम्र के बाद बच्चों को रोज़ाना आप न्यूट्रीचार्ज DHA का 200 mg वाला कैप्सूल देना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा अब तक कैप्सूल लेने लायक हो जाता है। क्यों देना है? जैसा मैंने आपको बताया कि ब्रेन को सक्रिय रखने के लिए, कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाने के लिए DHA की ज़रूरत होती है, तो 13 साल के बाद में आप बच्चों को एक कैप्सूल रोज़ाना न्यूट्रीचार्ज DHA 200 कर दीजिए खाना खाने के बाद में। जो बड़े स्टूडेंट्स हैं 18 साल के ऊपर, उनको भी अपनी मेमोरी पावर चाहिए, कंसंट्रेशन पावर चाहिए, तो उनको भी आप न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट दीजिए। बड़ी उम्र के लोग यानी कि 40 के बाद ऊपर जो लोग हैं उनको भी न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का एक कैप्सूल लेना चाहिए, क्योंकि ब्रेन की संरचना और कार्यक्षमता को बरकरार रखता है, ये ब्रेन की मेंटेनेंस में मदद करता है। और जो भी बहुत सारी भूलने की जो चीज़ें होती हैं, समय, जगह और भावनाओं से जुड़ी स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, मतलब आपको समय याद रहेगा, आपको जगह याद रहेगी, फीलिंग्स हम कई बार भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रहता है, तो ये उससे जुड़ी हुई स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, इसलिए न्यूट्रीचार्ज अच्छा अल्जाइमर्स होने की संभावना को 40% तक कम करता है। देखिए, आज कोई नहीं कह सकता कि अल्जाइमर्स होगा आपको या नहीं होगा, डिपेंड करेगा कि आगे की लाइफ, जब तक आप 65-70 या उसके ऊपर नहीं हो जाते हैं, तो तब तक की लाइफ आपने कैसे लीड की है, कितना आपने व्यायाम का ध्यान रखा, कितना जीवन शैली का ध्यान रखा, कितना आपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखा। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर, तो अगर आप न्यूट्रीचार्ज DHA 200 ले लेंगे तो आप शायद प्रिवेंट कर पाएंगे अल्जाइमर्स होने की संभावना को 40% तक DHA कम कर सकता है, डिमेंशिया को रोकने में मदद कर सकता है, डिमेंशिया हो यानी भूलने की बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। हम आ गए हैं अपनी लास्ट स्लाइड पर, न्यूट्रीचार्ज DHA वैल्यू फॉर मनी। जैसा मैंने आपसे कहा, DHA नाम के प्रोडक्ट्स, एलिमेंटल DHA, शुद्ध DHA तो अवेलेबल ही नहीं है, सब ओमेगा 3 की ही बात करके उसी से DHA की बात करते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ 120 mg DHA है, और ये DHA का प्रोडक्ट नहीं है, ये ओमेगा 3 का प्रोडक्ट है, और दूसरे प्रोडक्ट में तो सिर्फ 74.8 mg DHA है। तो 200 mg DHA तक पहुँचने के लिए इनके आपको ज़्यादा कैप्सूल्स लेने पड़ेंगे, जिसकी कीमत 40 रुपये पर डे पड़ेगी एक सप्लीमेंट की, दूसरे सप्लीमेंट की 53.50 रुपये पर डे पड़ेगी। न्यूट्रीचार्ज DHA 200 की कीमत आपको प्रतिदिन पड़ती है 25 रुपये। तो अब हम कुछ सवाल जो आए हैं उनको हम ले लेते हैं। 8 साल के बच्चे को कंसंट्रेशन के लिए क्या दिया जाना चाहिए? जैसा मैंने आपको बताया, 6 से 12 साल तक आपको 2 न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट कैप्सूल आहार में मिला करके देने हैं, तो आप 8 साल के बच्चे को 2 न्यूट्रीचार्ज DHA ट्विस्ट के कैप्सूल रोज़ाना दे सकते हैं। सही वक्त लेने का है, आप लंच के बाद या डिनर के बाद, यानी खाना खाने के कुछ देर बाद, आधा घंटे बाद आप पानी के साथ ले सकते हैं। हाउ लॉन्ग इट हैज़ टू बी टेकन, जाहिर है जब तक आपको अपना दिमाग सक्रिय रखना है और बीमारियों से, न्यूरोलॉजिकल बीमारियों से दूर रहना है, तब तक आपको ये लेना चाहिए। कैन वी स्टार्ट DHA आफ्टर 6 मंथ्स प्रेगनेंसी? अगर आप पहले शुरू नहीं कर पाए हैं तो जैसा कहते हैं जब जागिए तभी सवेरा, आप बिल्कुल 6 महीने की प्रेगनेंसी पर न्यूट्रीचार्ज DHA शुरू कर सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान जब भी आपको DHA के बारे में पता चले या याद आए, आप तक शुरू कर सकते हैं।
कैन वी सजेस्ट न्यूट्रीचार्ज S5 इन प्रेगनेंसी? नो वी कैन नॉट. प्रेगनेंसी में न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं देना है. जब बच्चे को माँ दूध पिला रही हो उस अवधि में भी नहीं देना है. और अगर कपल प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है तो दोनों को, पति और पत्नी दोनों को न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेना है. एडल्ट्स कैन ऑल्सो यूज़ न्यूट्रीचार्ज DHA? जी हाँ, मैं जवाब दे चुकी हूँ, बिल्कुल एडल्ट्स को, वयस्क व्यक्तियों को यूज़ करना चाहिए. राजकुमार जी पूछना चाह रहे हैं कि क्या DHA कंसीव करने में मदद कर सकता है? अभी तक इस तरह की कोई स्टडी नहीं आई है कि DHA कंसीव करने में मदद करेगा या नहीं कर पाएगा, तो मैं इस पर अभी जवाब देने की सिचुएशन में नहीं हूँ. हाँ, न्यूट्रीचार्ज वुमेन अगर लिया जाए और कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, DHA भी अगर आप ले रहे हैं और कुछ पोषक तत्वों की कमी हो, कुछ इम्बैलेंस है बॉडी में, तो वो बैलेंस ज़रूर क्रिएट कर सकता है. अमित गुप्ता जी ने यूज़ किया है, विनोद शर्मा जी ने यूज़ किया, उनको बहुत अच्छा और टेस्टी लगा है, थैंक यू सो मच. मिस्टर ओम प्रकाश जो है वो पीडियाट्रिक्स के साथ काम कर रहे हैं, प्रोटीन न्यूट्रीचार्ज वुमेन और न्यूट्रीचार्ज किड्स पर, वेरी गुड सर. कैन 50+ यूज़ टू इम्प्रूव मेमोरी? मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ, बिल्कुल आप इसको लेना शुरू करें और आपको साथ में कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस, क्योंकि न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज साथ साथ जाता है, तो थोड़ी कुछ ब्रेन एक्सरसाइजेस भी करें, आप ज़रूर मेमोरी में अपना चेंज महसूस करेंगे. जिनको थायराइड है क्या उनको क्या वो DHA यूज़ कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, जिनको थायराइड है उनको वो DHA उनकी थायराइड के साथ में इंटरफेयर नहीं करता, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं. DHA का फुल नेम इज डोकोजा हेक्सेनोइक एसिड. सो ये कुछ सवाल थे. न्यूट्रीचार्ज व्यू प्लस न्यूट्रीचार्ज DHA लिया जा सकता है क्या? बिल्कुल लिया जा सकता है. जैसा कि न्यूट्रीचार्ज व्यू के सेशन में हमने आपको बताया था कि खाने के 10 मिनट बाद आपको न्यूट्रीचार्ज व्यू लेना है और उसके कुछ देर बाद में आप न्यूट्रीचार्ज S5 ले सकते हैं. और अगर आप स्थिति में है कि आपको न्यूट्रीचार्ज S5 नहीं लेना है तो आप न्यूट्रीचार्ज DHA ले सकते हैं. वरना अगर आप बिल्कुल सही हैं, ना आप प्रेग्नेंट हैं, ना प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और ना आप बच्चे को नर्स कर रहे हैं, तो आप न्यूट्रीचार्ज S5 और न्यूट्रीचार्ज DHA ऑलमोस्ट साथ में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. एक सर पूछ रहे हैं कि वो 22 साल के वो यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 13 साल की उम्र से ऊपर आप DHA 200 आराम से यूज़ कर सकते हैं. तो इसका मतलब 18, 20, 22 किसी भी साल पर आप यूज़ कर सकते हैं. DHA 200 कैन बी यूज बाय एवरीवन अबव द एज ऑफ 13 ईयर्स. अलग अलग काम करेगा. स्टूडेंट्स हैं तो आपकी मेमोरी पावर हर एक की बढ़ाएगा, मेमोरी पावर बढ़ाएगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा, याद रखने की शक्ति को बढ़ाएगा, जो मेमोरी पावर की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, आपको डिमेंशिया, एल्जाइमर्स, किसी भी तरह की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से बचाएगा. तो 13 साल से ऊपर सभी लोग न्यूट्रीचार्ज DHA का एक कैप्सूल, न्यूट्रीचार्ज DHA 200 का एक कैप्सूल रोज़ाना ले सकते हैं. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के सेशन से आपको न्यूट्रीचार्ज DHA लेने में मदद मिलेगी और दूसरों को बताने में मदद मिलेगी, दूसरों को प्रमोट करने में मदद मिलेगी. जो वीडियो हमने आपको दिखाया आज, हम अभी थोड़ी देर में व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे, आप इसको फॉरवर्ड करें आराम से, डॉक्टर्स को फॉरवर्ड करें, आप अपने जान पहचान के लोगों को फॉरवर्ड करें, और अगर आपके घर में कोई गर्भवती महिला है तो उसे ज़रूर फॉरवर्ड करें, ताकि आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज DHA की अनमोल गिफ्ट दे पाएं. तो अब आपसे परसों फिर से एक नए सेशन के साथ मुलाकात होगी. तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और कल सुबह 6 बजे आपसे आपकी सेहत आपके हाथ प्रोग्राम में मुलाकात होगी. शुक्रिया. JRCM, मेरा चार्ज न्यूट्रीचार्ज.